अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे मिली कहाँ? मिली? पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं मिली। अरे हमने भी हर जगह देखा, कहीं पर नहीं है वो। वो कहाँ चली गई ये लड़की? गुड मॉर्निंग बेटा। आप पापा, ये आपका है क्या? सॉरी, नंदिश बेटा ये आपको कहाँ पर मिला? मैं सो के उठा तो बेड पर मिला, मुझे लगा कि आपका, इसलिए तो आपको दिखाने लिए आया। हाँ बेटा ये मेरा ही है, मैं इसे पढ़ लेता हूँ, आप जाओ रूम में जाके खेलो। हाँ ओके पापा। आशीष, यहाँ आने से पहले, यहाँ आने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, पर यहाँ आके फील हुआ जैसे अब यहाँ मेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरी जगह इस घर में, इस परिवार में और तुम्हारी जिंदगी में मैत्री ले चुकी है। गलती मेरी है जो मैंने सोचा 6 साल में कुछ नहीं बदला होगा। मैं यहाँ रही तो तुम और मैत्री साथ नहीं रह पाओगे। तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हारे लिए अपनी ये गलती सुधार रही हूँ। मैं जा रही हूँ आशीष, इस घर से दूर, इस परिवार से दूर, तुम्हारी और मैत्री की लाइफ से दूर, अपनी लाइफ से भी दूर, हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर। मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। पापा, ये सब क्या लिखा है नंदू ने? कहाँ होगी वो? हे महादेव, हमारी बहू को बचा लो। अगर आपको चाहिए तो हमारा जीवन ले लो, लेकिन हमारी बहू को बचा लो महादेव। आशीष, आशीष तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ के रहेंगे बेटा। तो ढूंढिए ना उसे, आप देख क्या रहे हैं? ये स्टेप लेने के लिए आप लोगों ने उसे मजबूर किया है। का? ये सुसाइड नहीं, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। अगर आप प्रीति को कुछ हुआ ना तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, सबको। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए, ये सर्च पर उसे बचा लीजिए, रोक लीजिए उसे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरी नंदिनी मेरा सब कुछ है, वो मेरा सब कुछ है। प्लीज चिंता मत कीजिए, उसे ढूंढ लेंगे। मैं उसे फिर से फोन लगा के देखती हूँ, फोन स्विच ऑफ है तो क्या हुआ, क्या पता वो अपना माइंड चेंज कर ले, फोन उठा ले। आशीष, आशीष, हाँ, नंदू को ढूंढना है, हमारे पास टाइम नहीं है। पर कहाँ ढूंढे, कहाँ होगी वो? घर पे नहीं है, कहाँ जाएगी? कुछ नहीं पता, कैसे पता चलेगा कहाँ है नंदू? कुछ करते हैं, वो लेटर दिखाइए, क्या पता इसमें कुछ हो। मेरी कहानी वहीं खत्म होगी जहाँ से शुरू हुई थी। कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, इसका मतलब आशीष, तुम लोगों की लव स्टोरी जहाँ से शुरू हुई थी आशीष, हो सकता है वो वही गई हो, ऐसी जगह जहाँ तुम लोग अक्सर जाते थे, जहाँ पहली बार तुम उसे डेट पे ले गए, उसे प्रपोज किया हो। जहाँ पहली बार हम डेट पे गए थे, आमबाग, आमबाग में मिले थे। ओके, आई होप वो वही हो। हमें वहाँ जाना होगा आशीष। ओपी अंकल, हम लोग जा रहे हैं नंदू को ढूंढने, तब तक आप पापा को फोन लगाइए, उन्हें कहिए पूरी टीम लेकर आए, और बाकी जगहों पे चेक करना, नंदू कहीं भी हो सकती है। हाँ, हम लोग आते हैं, फोन करेंगे। हम फोन लगाते, और कुछ भी खबर मिले हमें बोलना बेटा। नमस्कार ओम प्रकाश जी, सब ठीक तो है वहाँ पर? हाँ भाई साहब, बात ये है कि ठीक है ओम प्रकाश जी, हम अभी आ रहे हैं। हेलो दिनेश जी, प्लीज मेरी नंदू को ढूंढ दीजिए, प्लीज।
ये आपसे एक वकील नहीं, एक माँ कह रही है। इस नंदू को ढूंढ दीजिए। वसुंधरा जी आप शांत रहिए, हम देखते हैं, हमसे जाती तौर पर जो हो पाएगा हम करेंगे। नंदी सुसाइड की चिट्ठी छोड़कर कहीं चली गई है, हमें उसे ढूंढने जाना है। हे भगवान, बचा ले नंदिनी को और हमारी बेटी को भी। नंदू, नंदिनी, नंदिनी, नंदू, अगर हमारी आवाज सुनाई दे रही तो प्लीज जवाब दो यार। एक्सक्यूज मी, सॉरी, लेकिन आपने इनको कहीं देखा है? यहाँ हम प्लीज देखिए अच्छे से। एक्सक्यूज मी, इनको कहीं देखा क्या आपने? नंदिनी, नंदू, क्या कर रही हो तुम ये सब? नंदिनी क्यों कर रही हो? ये तुमने क्या किया? मैं कहाँ जाऊंगी? ओहो, सब लोग गए हैं ना उसे ढूंढने? है आशीष से भरोसा रखिए, वो जरूर हमारी बहू को ढूंढ के लाएगा। अच्छा ए, पहले पानी तो पी लो, लो पानी पी लो। मैं कुछ नहीं खाऊंगी और ना पीऊंगी जब तक नंदू नहीं आते। ओहो, ये सब करने से क्या फायदा होगा बताओ? है तुम जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो हम ये कह रहे हैं कि तुम समझो कि इस समय हम सबको अपना मन मजबूत रखना है और इस परिस्थिति से लड़ना है। तुम ऐसे जी छोटा मत कर, जाओ आराम करो, मिल जाएगी। चलिए कमरे में चलिए, आइए आप जाओ, आराम करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आइए। हे भगवान। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।